आइए देखिए प्रथम दृश्य झगड़ालू परिवार। आइए सब तो लाए बुढ़ा गोभी लेकर आ गोभी। अरे गोभी से याद है, इतना सारा काम है इसको छोड़ती हूँ, पहले जाकर खाना ही बना लेती हूँ, नहीं तो आते ही कहेंगे पता नहीं सारा दिन क्या करती हूँ, अभी तक खाना भी नहीं बनाया। हाँ जाती हूँ खाना ही बना लेती हूँ। आजी सुनती हो पता कहाँ तुम रहती है अजी, सुनती हो? हाँ हाँ सुनती हूँ सुनती हूँ। मैं पूछ रहा था। हाँ ठीक है पता है पता है, खाना खाना भूख लगी होगी, जाओ हाथ को धो लो कपड़े बदल लो, लगाती हूँ खाना। अभी तो पूरी बात सुन लिया करो। बोलो। अरे जो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना। हाँ तो क्या हुआ? अरे शर्मा जी को नहीं हुआ, उनके बेटे को क्रॉस कंट्री रेस में गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ भाई माता पिता इतने समझदार जो ठहरे, संतान तो समझदार होगी ना। एक हमारा राजू है। हाँ, पता है तुम्हें पिछले हफ्ते एनुअल डे के फंक्शन में गई थी स्कूल में, वहाँ पर भी शर्मा जी के बेटे करण को क्लास में फर्स्ट आने का अवार्ड मिला था। और एक नालायक निकम्मा हमारा राजू है, कभी गोल्ड तो छोड़ो एक पेन भी गिफ्ट में नहीं लाता। और ये सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी परवरिश का नतीजा है, देख लो आप भुगतो बैठ कर। अरे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया? बेटा तुम्हारा, लाड तुम लड़ाओ है? और गलती मेरी। वाह वाह जी वाह, माना मान गधा पहलवान। समझे, कभी सोचा है तुम्हारा बेटा कहाँ जाता है, किस स्कूल में पढ़ता है, किन बच्चों की सोसाइटी में बैठता है, क्या करता है, सारा दिन कहाँ घूमता है, कभी पढ़ाई करता भी है या नहीं, कभी अपने बच्चे पर ध्यान देने की कोशिश भी की है? बस सारा दिन राजू सिगरेट का पैकेट ला दे, मम्मी को मत बताना। क्या मैं जानती नहीं हूँ, दोनों बाप बेटों ने मिलकर खाली पीली दिमाग खराब किया हुआ है, जब देखो पूरी चूसते रहते हैं, सुनते तो किसी की है नहीं ना? अच्छा ये राजू भी ना नाटक टाक ही रहेगा। राजू सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती है, हमेशा मेरे ऊपर क्यों डालती रहती हो? सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। देखो उसके स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी और प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बच्चा शैतान हो गया है, बिल्कुल कक्षा में अनुशासन में नहीं रहता, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट इत्यादि करता है, और ये सब तुम्हारा नतीजा है। अब मैंने तो बहुत सारी कंप्लेंट सुनी है, कहते हैं बिल्कुल अनुशासन मेंटेन नहीं रखता, टीचर्स को पढ़ाने भी नहीं देता है क्लास में, इतना शोर करता है, इतनी शैतानी करता है, जब देखो क्लास बंक करके घूमता ही रहता है, बुला रखा प्रिंसिपल ने, कंप्लेंट इतनी आ रखी है, जाना आप तुम्हें। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने, जाओ अब जाना ही पड़ेगा, जाओ मिलकर आओ। ठीक है बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, आती हूँ प्रिंसिपल से मिलकर, जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास उसके स्कूल मिलने। नमस्कार सर। नमस्कार आइए। सर मैं राजू की मदर, आपने बुलाया था मेरे बच्चे के संदर्भ में कुछ बात करने के लिए। राजू की मम्मी है? जी सर मैं राजू की मम्मी हूँ। राजू की बहुत सारी कंप्लेन है जोर से। सर बच्चा है, थोड़ी बहुत तो शैतानियाँ बच्चे करते हैं। आइए, राजू की बहुत सारी कंप्लेन है और आपको पता है ना, प्रिंसिपल हैं हम। प्रिंसिपल हैं हम। आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैंने आपको क्यों बुलाया है, सारी जानकारी है घर पर, आपको सारी कंप्लेन भेज दी गई थी। देखिए ये राजू के लिए तीसरी और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो मैं इसको
एक महीने के लिए सस्पेंड कर दूंगा क्योंकि प्रिंसिपल है हम। और मेरा नाम देख रही है ना, लिखे देखिए, नाम देख लीजिए मेरा, एसी श्रीवास्तव, इसका मतलब समझती है, अनुशासन चंद श्रीवास्तव। अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी मेंटेन करना होता है। अगर दो चार का नाम भी काटना पड़े ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पल हैं हम। जाइए समझा दीजिए राजू अपने लाडले को, समझ जाए सुधर जाएगा, नहीं तो फिर आगे क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, बंदर बना दूंगा बंदर। जाइए समझाइए उसको क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जाती हूँ राजू के पास क्योंकि प्रिंसिपल हैं आप। अगला झगड़ालू परिवार, अजी सुनते हो, कहाँ हो, पता नहीं कहाँ मरे रहते हैं, अजी सुनते हो आज भी। देखो जी आज मेरा नहीं हूँ, सुनता हूँ राम से बोलो भगवान। देखो जी मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है, आज प्रिंसिपल से मिलकर आ रही हूँ, बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रखे थे तुम्हारे राजू की, और ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हमेशा एक ही कंप्लेंट आती है कि क्लास में अनुशासन नहीं रखता, जब देखो बच्चों के साथ गाली गलौज मार पिटाई करता रहता है। अब तो नाम काटने को कह रहे थे, अब तुम सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। और कर लो और लगा लो राजी सिगरेट दादी, राजी गिटका लादी, मम्मी को मत बताना, जैसे मैं जानती नहीं, खाली पीली दिमाग खराब कर रखा है इन बाप बेटों ने, सुनते तो किसी के है नहीं। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। बताओ ये नक्शे में ये इंडिया कहाँ पर है? इंडिया कहाँ पर है? अरे पापा के बच्चे दिमाग खराब कर रखा है तुम सबने, खाली पीली में मेरा दिमाग खराब कर रखा है, सुनते जो किसी की हूं नहीं। अब मैंने क्या किया पापा? रोज रोज तेरी स्कूल से कंप्लेन आती रहती है। मैंने मम्मी से पूछो पापा, जाओ जाके मम्मी से पूछो। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा, जाओ मैं कहता हूँ जाओ, कोई गलती नहीं है बाबा, जाओ। और टीचर को पता नहीं मेरे से क्या दिक्कत है, रोज रोज मुझे उठा देती है बार बार, आज तो कहती है प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, और प्रिंसिपल से पता है आपको खाली पीली में मेरा दिमाग खराब करते हैं, प्रिंसिपल है हम बाबा। अच्छा ये बात है पापा, आप चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, चल कल मैं तेरे प्रिंसिपल सर से मिलकर आता हूँ, चलो। अब आगे संस्कारी परिवार का दृश्य। भाग्यवान तुम भी ना, कैसी 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 कैसे कैसे किस्से सुनाती हो, खुद भी बहुत खुश रखती हो, खुद भी खुश रहती हो और पूरे परिवार को खुश रखती हो। और ये तुम्हारी एक्टिवनेस का शायद यही राज है। जी ये तो होना ही था, एक तो आपका साथ, दूसरा आप इतने अच्छे तरीके से फैमिली और बिजनेस दोनों को हैंडल जो करते हैं, इट्स अमेजिंग। वाह वाह भारी, ये बातें ही तो हमें गदगद कर देती है। वाह 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 वाह, देखो मैं आऊंगा तुम्हारा को। करण कहाँ पर है? अपने कमरे में पढ़ रहा होगा शायद। अच्छा अच्छा, हमारा करण बहुत मेहनत करता है, और देखो घूम ले, हमारे करण के फर्स्ट टर्म में A1 ग्रेड में बहुत अच्छे नंबर आए थे, और देख लेना अब एनुअल एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी A1 ग्रेड में और भी अच्छे नंबर आएंगे। और एक उनके मैंने कैमरा हमारे करण का थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना, वो बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, और
ये तो होना ही था, ये तो हमारी अच्छी परवरिश और हमारे अच्छे अनुशासन का ही परिणाम है। देखो एक काम करो, दो कप चाय, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, अदरक वाली कड़क चाय, और करण के लिए एक गिलास दूध मलाई डाल के लाना, आजकल बहुत मेहनत कर रहा है वो, और मैं जरा चलकर उससे बातचीत करता हूँ कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। ठीक है, अभी आप जल्दी लेकर के आओ। करण, करण बेटा। यस पापा। अरे वाह, वेरी गुड, क्या कर रहे थे बेटा? पापा हिंदी का काम कर रहा हूँ। हिंदी का काम, वेरी गुड, ओके ओके बेटा। कल मैम ने, अच्छा मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ बेटा। हाँ पापा, कल मैम ने एक असाइनमेंट दिया था, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। वेरी गुड, बताओ तो मुझे कैसे लिखेंगे, इसको शुरुआत कैसे करेंगे, एक बार बता दो। क्या क्या लिखा आपने, दिखाओ मुझे। अरे वाह, वेरी गुड, बड़ा गुड हैंड राइटिंग है तुम्हारा, कितना अच्छा लिखा। शुरुआत तो आपने ठीक की बेटा, देखो ये जो पैराग्राफ लिखे ना आपने, इसके बीच में ये तीन लाइन और ऐड कर देना, आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा। और बेटे दोनों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे बेटे को एक असाइनमेंट मिला है, उसमें जरा इसकी मदद करना। गुड, वेरी गुड। अगर मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे भी बताना। यस मामा, थैंक यू। तो बेटा तुम दूध पियो और हम लोग चाय पीते हैं, और देखो आपको साइंस का मॉडल बनाना है ना, और हम बाजार जा रहे हैं, आपके साइंस के मॉडल का सामान लेकर के आते हैं, और मेहनत से पढ़ो बेटा। ठीक है, हम अभी आते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। राजू आज फिर तुम इतना लेट खड़े हो रहे हो, तुम्हें विश करना नहीं आता। सॉरी मैडम। सॉरी मैम, प्लीज। थैंक यू मैम। सॉरी मैम, मैम लास्ट चांस, मैम लास्ट चांस, प्लीज मैडम। नहीं प्लीज मैडम, लिख नहीं पाऊंगा खड़े होके। तुम वैसे भी कुछ नहीं करते हो। सॉरी, लास्ट वार्निंग है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस मैम। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में चेक करूंगी। अबे हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अबे क्या काम दिया था मैडम ने? पता नहीं यार, मैंने भी नहीं किया। तुझे भी नहीं पता? अरे छोड़ ना, बेकार का है सब काम। बातें किसकी हो रही है? ये सब फालतू की बातें हैं। एक काम करते हैं, स्कूल के बाद चलते हैं, टाइगर जिंदा है, क्या मस्त मूवी आएगी। बहुत मार पड़ी। नहीं कैसे जाएंगे, मम्मी पापा ने ट्यूशन तो लगवा ही रखा है, 7 बजे वैसे ही घर पहुंचते हैं, कह देंगे ट्यूशन से लेट हो गए। पक्का? हाँ पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का ना? हाँ पक्का, एकदम श्योर ना। ठीक, क्लास के बाद है ना? क्लास के बाद। ओके। कुछ करना नहीं है, काम कर अब उद्यंडी छात्र एक छात्रा को लेकर के एक क्लास बन करके पार्क में घूमने काम करते हैं। हमारे स्कूल की पार्किंग है ना, उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, वहाँ चलते हैं। ठीक है, चले। हाँ इतना सुकून है यहाँ, कोई किसी की नजर। जगह है। अरे ये इतना ऊंचा गेट है यार, कैसे जंप कर लेते हो तुम लोग? राजू ये क्या कर रहे हो तुम? अबे पागल है क्या, दिख नहीं रहा, सिगरेट पी रहा हूँ। देखो ये बहुत गलत बात है, छोड़ो इसे अभी, फेंको। देख मेरी बात सुन, इस पे भी लिखा है सिगरेट पीना हानिकारक है। फिर मैंने सुन रहे तो? अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात। नहीं ये बहुत गलत बात है, फेंको इसे अभी, कहाँ से सीखे हो रहे तुम? सब पागल बनाते हैं, तू एक काम कर, एक कट लगा और फिर देख मजा। नहीं इसको अरे राजू तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?
डॉक्टर साहब नमस्कार, निकल लो। मैं तो जा रहा हूँ प्रिंसिपल साहब से कंप्लेन कर दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ प्रिंसिपल साहब से कंप्लेन कर दूंगा। आज कैसे लगाया? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे एक कंप्लेन करनी है। सर मेरी क्लास में एक लड़का है राजू, वो बहुत बदतमीज लड़का है, वो सिगरेट पीता है और क्लास के लड़कों से लड़ाई करता है। अच्छा ये बता सकते हो राजू की क्लास कौन सी है? सर वो 9th बी में है। उसका रोल नंबर क्या है? उसका रोल नंबर है 420। अच्छा प्रेम। हाँ जी सर बोलो। 9th बी में राजू है, उसको बुला कर लाओ फटाफट जल्दी से। हाँ बेटा अब पूरी बात बताओ हुआ क्या? सर राजू ने ना इसको मारा है बल्लू को। हाँ जी सर। सर पार्किंग में राजू सिगरेट पी रहा था और जब बल्लू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके साथ लड़ाई की। तो सर चोट भी लगी है। हाँ सर उसकी पट्टी करवा दी। सर राजू आजा बेटा आजा आजा, आज तेरी खैर नहीं है। यस सर आजा, सीधे खड़े हो जा। पर नजर नीचे कर। इतनी बदमाशी सुन रहा हूँ, इतनी बदमाशी सुन रहा हूँ आपकी, हर दिन कंप्लेन। ये बच्चों को चोट भी मारती है क्लास सर, उसने मुझे मारा, मैंने नहीं मारा सर। सिगरेट भी पी रहा है सर, सॉरी सर। ऐसे नहीं, तुम मान नहीं सकते। ये देख रहे हैं कि तुम्हारा ड्रेस भी गड़बड़ है। ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? सर आज पहन के आनी थी। क्या बताऊंगा? पहनने के लिए पहनने के लिए निमंत्रण दूंगा क्या मैं? सर मुझे किसी ने बताया था एनुअल डे है तो ड्रेस में नहीं आना। अच्छा कौन कहता है एनुअल डे को ड्रेस में नहीं आना? सर उसने बल्लू ने बोला था। नहीं सर इसने नहीं बोला। हाँ ये पैंट तो ड्रेस में है लेकिन पैंट की मोड़ी इतनी पतली है उसमें चीटी भी नहीं घुस सकती। सर ये पापा सिलवाते हैं पैंट ऐसी, मैंने नहीं करवाई। पापा से बोल दो आइंदा से ऐसी ड्रेस न बनवाओ। पापा पैंट से मेरे बाल भी है, मम्मी ने कटवाए ऐसे। हेयर स्टाइल क्या बना रखा है? ये बाल किसी में कटा रहे? मम्मी ने तो पापा ने। ये जो है जो हेयर स्टाइल बना रखा है ये ठीक नहीं है। नाम राजू है ना? तेरे को राजू श्रीवास्तव के पास भेज दूंगा मैं, वही जाकर के मॉडलिंग करूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा सर। नहीं नहीं मैं तेरी हरकत देख करके मैं इतना जो है परेशान हूँ, तेरे को राकेट बना दूंगा। राकेट ध्यान से सुन लो, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम इसी स्कूल के ग्राउंड में। इतना दौड़ाऊंगा कि नहीं दौड़ाऊंगा। सीधे कंप्यूटर से SLC निकाल करके दे दूंगा। जल्दी से अपने पेरेंट्स को फोन करो फटाफट। पापा को मत कहो सर। पापा नहीं, मम्मी पापा को दोनों बुलाइए। पेरेंट्स को फोन फटाफट फोन करो। सॉरी सर पापा को मत बुलाओ। फोन नहीं करोगे मैं घर नहीं जाने दूंगा, घर नहीं जाने दूंगा। जल्दी से अपने पेरेंट को फोन करके बुलाओ फटाफट। लो ये लो मेरा मोबाइल। अरे ले आओ, लॉक खोल दो। खोलने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ ये तो टैलेंट है। नीचे बैठ, सुने नीचे बैठ दिखनी रास में। हेलो पापा। पापा गाँव बोलो जल्दी से आ जाओ। पापा प्रिंसिपल सर है ना? मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मार दे मुझे पापा। पापा मेरी कोई गलती नहीं है, सब बल्लू ने मारा था मुझे। पापा पापा जल्दी आ जाओ पापा। अच्छा पाँच मिनट में आ रहा हूँ पापा, जल्दी आ जाओ पापा। ठीक है बाबा। सर बात हो गई। क्या कह रहे हैं? अभी 5 मिनट में आ रहे हैं वो। अच्छा
चलो अभी अपने पापा को आने दो तो मैं बुलाता हूँ। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार, मैं राजू की माँ। नमस्कार सर, मैं राजू का पापा हूँ। आप ये बताइए कि अभी ऑफिस में एंटर करते हुए मैंने देखा कि आप अपने पैरों से सिगरेट को बुझाते हुए आ रहे थे। सर यही कारण है मेरे बच्चे के बिगड़ने का, यही जिम्मेदार है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बेटे देख लो सर, देख लो आप इनकी परवरिश। आप हमेशा मुझे शिकायत करते हैं। सारा बताएं कि क्या शिकायत है। राजू ने आज क्लास बंक किया है और राजू को प्रेम, राजू को बुलाओ। साहब मेरा बच्चा बहुत छोटा है साहब, सर प्लीज मेरा बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ी बहुत शैतानी करता है सर, माना थोड़ी गलती करता है शैतानी, पर सिगरेट नहीं मैं मान सकती सर, सर सिगरेट नहीं मान सकती, अपने पिता के इतने गंदे गुण नहीं मेरे बच्चे में आ सकते। आज सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, यहाँ तक कि शिवानी को भी डीमोटिवेट कर रहा है सिगरेट पीने के लिए, और बल्लू को तो इसने रगड़ रगड़ के मार दिया, उसको चोट लग गई। ना मेरा बेटा बिल्कुल सोबर बच्चा, बिल्कुल सबसे बढ़िया बच्चा है मेरा। अबे अब तुमने क्या कर दिया? एक मिनट, ये क्या रखा? ये मेरा नहीं है सर, ये पता नहीं कहाँ से मेरे साथ आ गया सर, ये मेरा बिल्कुल नहीं है। नहीं देखे तो क्या लगा रखा, क्या गा रहे हो? लॉलीपॉप लगे लू ये गा रहे। आपको पता है कि स्कूल में मोबाइल लाना मना है, फिर भी आपने बच्चे को मोबाइल दिया। सर मैंने कोई मोबाइल नहीं दिलाया, या तो ये सर किसी दोस्त से उधार मांगकर लाया है या इसकी माँ ने दिलाया है। इस तरह से बहुत सारी हरकत है इनके। देखिए आज की कहानी आप जानते हैं ना, क्लास बंक किया और बल्लू को चोट मारा है और सिगरेट भी। आप अपने सामने देख लीजिए, मैं प्यार से समझाते समझाते थक गया, मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि आप अपने सामने अपने बच्चों की हरकत को देखें। बेटा ये सब क्या हो रहा है? कितनी बार समझाया तुम्हें कि लड़ाई झगड़ा मत किया कर। पापा मैंने कुछ नहीं किया। अबे मैं नौकरी करूं, तुम्हारा पेट भरूं या तुम्हारी फीस भरूं? पापा मैं अली बेरी में मेरे दिमाग खराब कर रखा तुम जमने, और तो किसी की हो नहीं। कोई गलती नहीं है पापा मेरी, मैंने कुछ नहीं किया। रुको रुको रुको, रुक जाओ। अरे ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? आप ऐसा कर रहे हो, अगर डीडी मैडम को कंप्लेन हो गई ना तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मुझे मरवाओगे क्या? आप स्कूल में आ करके मुझे खुद मरवाओगे? मार पीट मत करिए। देखिए आप कुछ थोड़ा सा उद्देश्य काम लीजिए, आप अपने व्यवहार को बदलिए। आप ऐसा करो कि मत करो, क्योंकि जो करूंगा वो मैं करूंगा। देखिए आप इस बच्चे की हरकत के लिए, बच्चे की अनुशासनहीनता के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप ही देख लीजिए, उसी क्लास में पढ़ने वाला करण, आने वाली बार 20-25 मिनट, उसके माँ बाप उसको कितनी अच्छी तरह से परवरिश करते हैं, वो हर बार अच्छे नंबरों से पास स्कूल से निकलने छोड़ दे रहे हैं। एक आपका राजू हर बार 0 नंबर लाता, आपको पता है?
आवाज नहीं आ रही। इसका रोल नंबर बच्चों ने 420 रख दिया है, क्यों? क्लास में कुल 42 बच्चे हैं, हर टेस्ट में नंबर इसका जीरो आ गया, अब 42 में जीरो जोड़ दिए सारे बच्चे इसको 420। तो आप इसके खुद जिम्मेदार हैं, पहले आपको अनुशासित होना होगा, आप अपने परिवार को अनुशासित करिए, परिवार में ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि बच्चे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सॉरी सर, सर सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सर मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, पान गुटखा तम्बाकू आदि कोई सेवन नहीं करूंगा और अपने बेटे को स्वयं पढ़ाऊंगा। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इसको एक अच्छा अनुशासित नागरिक बनाने में तथा ईमानदार नागरिक बनाने में मैं सुप्रशासन की पूरी मदद करूंगा। सर मैं भी प्रण करती हूँ, सर मैं भी प्रण करती हूँ सर, अपने बच्चे को एक अच्छा और एक ईमानदार और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में अपने पति का पूरा पूरा सहयोग करूँगी, अपने बच्चे की परवरिश के प्रति मैं खुद सजग रहूँगी, उसको एक अच्छा और ईमानदार छात्र बनने में भी मैं अपना पूरा योगदान दूंगी, मैं स्वयं पढ़ाऊंगी अपने बच्चे को, किसी भी फालतू के व्यसनों में अपने बच्चे को और घर वालों को कभी फंसने नहीं दूंगी। धन्यवाद सर। स्वयं में, परिवार में, समाज में संयम, मर्यादा, अनुशासन, इधर आना, क्या करना है लाना है भाई, लाना है, लाना है भाई, लाना है, और क्या करना है, जीना बहुत जरूरी है, जीना बहुत जरूरी है, जीवन जीना बहुत जरूरी है, अनुशासन के साथ में जीवन जीना बहुत जरूरी है।